अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फ्रेंड देखो आज के इस टॉपिक में आप लोगों को मैं नेम के साथ जो है ना एक जस्ट एक इमोजी का जो है ना यूज़ करके दिखाऊंगा और आप लोग जो है ना वन इमोजी नेम फेसबुक अकाउंट जो है ना किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल इमोजी नेम फेसबुक अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और वो भी विदाउट अपडेट नेम के। सो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना, हम जो है फोन की स्क्रीन पर चलते। गाइस मैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब देखो आप लोगों को मैं जो है ना जस्ट एक रेड हॉट नेम का अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा। सेटिंग पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों ने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप लोगों ने यहाँ पे अपने प्रोफाइल के साथ जो एरो होगा उस पर क्लिक कर देना, यहाँ पर आ जाएंगे। अब आप लोगों ने यहाँ पर नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब आप लोगों ने यहाँ पर एक वीपिन का यूज़ करना है, वो वीपिन कौन सा है वो भी आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो आप लोगों ने जो है ना वीपिन का यूज़ करना है। वीपिन कहाँ से मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वीपिन का लिंक मिल जाएगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आपको इंडोनेशिया की प्रॉक्सी मिल जाएगी। यहाँ पे आप लोगों ने नंबर टू वाले जो आप लोगों को यहाँ पे इंडोनेशिया की प्रॉक्सी नजर आ रही है तो इसी को आप लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट वाली जो कनेक्ट हो जाती है काफी लोगों के पास जो है ना ये फर्स्ट वाली मसला करती है। वो मसला ये करते हैं जैसे ही हम लोग जो है ना फर्स्ट वाली कनेक्ट करते हैं तो हमारा वीपिन जो है ना वो स्टॉप हो जाता है, वो मतलब इंटरनेट स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो है ना नंबर टू वाली सिलेक्ट करें, इससे इंटरनेट स्लो होता है लेकिन बहुत कम होता है। ठीक है, और आप लोगों को मैं ये वाली स्क्रिप्ट जो है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने पेज पे जो है ना अपलोड कर दूंगा, वहाँ से उठा लेना। इसमें मैंने जस्ट जो है ना आप लोगों ने यहाँ पे मैंने जमान लिखा हुआ है, आप लोगों ने जमान को रिमूव करके अपना नेम डाल देना। बाकी आप लोग इसमें और भी इमोजी ऐड कर सकते हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट में जो है ना एक बार डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट दूसरी बार यहाँ पर सर्च करता हूँ। ठीक है, आप लोगों ने ये 5, 6, 10 जितनी बार हो सके कर लें, वैसे 4 करने से जो है ना स्क्रिप्ट एक्सेप्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने सेम टू सेम इसी मेथड को फॉलो करना है और हो सके तो आप लोगों ने ये काम जो है ना 10 कर लेना है, लेकिन कन्फर्म है कि ये 4 करने से ही एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पे भी मैं बार बार सर्च कर रहा हूँ और नीचे मुझे इग्नोर का ऑप्शन भी देखने को मिल चुका है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे इग्नोर का ऑप्शन मिल जाए तो इसका मतलब यही है कि हमारी स्क्रिप्ट जो है ना हमारे सैम्पल जो है वो एक्सेप्ट हो चुके हैं। नेम के आगे जस्ट आप लोगों को मैं एक इमोजी लगा के दिखाऊंगा, बाकी आप लोग जो है ना नेम के साथ इमोजी और ब्लैक टिक कैसे लगा सकते हैं उसके वो वीडियोज़ का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप लोग यूनिक नेम इमोजी नेम अकाउंट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और वो भी विदाउट अपडेट के और ये स्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए, वो वीडियोज़ के लिंक भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ से मैं सबसे पहले करता ये हूँ कि यहाँ से जो है ना मैं वीपिन को स्टॉप कर देता हूँ, क्योंकि जब तक वीपिन हमारा कनेक्ट रहेगा हमारा इंटरनेट स्लो रहेगा। तो यहाँ से मैंने अपने वीपिन को जो है ना वो ऑफ कर दिया। ठीक है, डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं दोबारा व्या ब्राउज़र पर आ चुका हूँ। जो मैं ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ उसका नेम है व्या ब्राउज़र, इसका लिंक भी आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से मैंने वीडियो को कहीं से भी स्किप आगे पीछे कुछ भी नहीं किया और ये जस्ट 9 पे मैंने यहाँ से एक्सेप्ट करवा दिया। पहले काफ़ी लोगों के पास मसला आता था, अपडेट पर डालनी पड़ती थी, काफ़ी सारे झंझाल वगैरह आते थे, तो ये तमाम तर मैंने बिल्कुल सॉल्व कर दिया और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जस्ट 1-2 मिनट में यहाँ पे इमोजी एक्सेप्ट करवा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।